मेरा तो कोई डिस्कशन नहीं है इसमें। तुम जानो, तुम जानो। करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक में मेटेलिक बॉन्डिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है, काफी हाई एटॉमिक नंबर होता है। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट में नहीं रहता, तो वो इजीली वहां से निकल जाता है। तो इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग में या मेटेलिक क्रिस्टल जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी खासी होगी, मतलब इसमें, बाकी सब में इतनी नहीं होती। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप लिख सकते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई फॉर मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है। आप इसको लिख देना ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई इन मेटेलिक बॉन्ड क्रिस्टल। उसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें लिख सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आपके जो आयनिक बॉन्ड बताया था ना उसमें एक प्रॉपर्टी रह गई है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग होता है, वहां पर भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होते हैं। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, समझते हैं ना आप, जैसे आप आइस से वाटर बनता है, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, जब आइस से वो वाटर में चेंज होता है वो वाला टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और जब वो वाटर को आप बॉइल करते हैं तो वो जैसे वेपर बन के उड़ता है, उस मतलब गैस हो गया वो, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब वो वाटर वेपर एज अ वेपर करेगा तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। कितना होता है वाटर के लिए, ये 100 होता है और ये 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से कम पर वो आइस होती है और 0 के बाद वाटर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा ही मैंने उसमें बोला था कि आयनिक बॉन्डिंग वाले जो क्रिस्टल होते हैं वहां पर भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई इन मेटेलिक बॉन्डिंग क्रिस्टल, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, और कोहेसिव एनर्जी भी, इनकी कोहेसिव एनर्जी भी ज्यादा ही होती है, तो सब में वही चीजें हैं, ठीक है। इनमें जो आपके मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्डिंग में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आयनिक बॉन्डिंग में मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी जो ब्रेक वाली, ब्रिटलनेस। तो आयनिक बॉन्डिंग में तो प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस की, ठीक है, और मतलब ब्रिटलनेस मतलब उसको आप खींचेंगे तो वो ब्रेक हो जाता है, मतलब उसमें वो खींच नहीं सकता, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग में कुछ ना कुछ इनकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी मतलब ब्रिटलनेस का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब उसको जब आप खींचेंगे ना दोनों साइड से तो वो थोड़ा सा खिंच जाएगा, उसके बाद वो ब्रेक होगा, समझ गए ना। इसमें तो आप जैसे ही खींचेंगे वो ब्रेक हो जाता है, ये आयनिक बॉन्डिंग में, आयनिक क्रिस्टल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। और आपके जो मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डक्टिलिटी में क्या होता है कि आपने जब इसको खींचा तो खींचने पर क्या होगा, इस तरीके से खींच जाएगा, उसके बाद ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है मेटेलिक बॉन्ड में, और ब्रिटलनेस होती है आपकी आयनिक बॉन्डिंग में। तो इसी तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर वंडरवाल बॉन्डिंग, ठीक है, वंडरवाल और भी आप बुक में से लिख लेना प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम ही है, वही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कोहेसिव एनर्जी भी इनकी हाई होती है। उसके बाद में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी मैंने लिखवाई दी,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, आपको नेम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ किसका बॉन्ड बनेगा, वो है हाईली नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो बॉन्ड बिटवीन हाईली नेगेटिव चार्ज आयन एंड हाइड्रोजन ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाईली नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लिख सकते हैं ऐसा, व्हेन हाईली नेगेटिव चार्ज आयन कम क्लोजर आयन कम क्लोजर टू हाइड्रोजन देन। देखिए अब जब हाईली नेगेटिव चार्ज आयन जब हाइड्रोजन के क्लोज में होगा देन क्या होगा, हाइड्रोजन इज इसको आंशिक को हिंदी में क्या बोल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पार्शियली हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव, हाइड्रोजन बिकेम ऐसे लिख लीजिए, हाइड्रोजन बिकेम पार्शियली पॉजिटिव आयन। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं H2O ले लेती हूँ, ठीक है, H2O में क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो आप इसको बोल सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे देखो H और O, ठीक है, अब आपको पता है ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा कोई H एंड ये O, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर H प्लस होता है, यहाँ पर H प्लस होता है, ड्यू टू दिस प्लस यहाँ पर एक नेगेटिव होगा, फिर से एक नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये क्या है आपका डबल नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, हाईली नेगेटिव चार्ज आयन। ओ नेगेटिव कैसा है, इस पर डबल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं हाईली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर है आपका H+ और ये भी यहाँ पर हाईली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो जो हाईली नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये वाला तो आपका कौन सा हो जाएगा, H+ एंड O नेगेटिव, ये तो आपका आयनिक बॉन्ड ही हो गया, H+ और O नेगेटिव के बीच में ये वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, बट ये जो हाईली नेगेटिव वाला जो आयन है और H+ के बीच में जो ये वाला बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और हो सकता है, जैसे इसमें मैं HF का लिखूं, तो HF एंड HF, ठीक है, तो HF में F नेगेटिव होता है H+, ठीक है, F नेगेटिव H+, F नेगेटिव H+, इसी तरीके से होता है। अब देखिए आपको ये पता है कि H+ में कम नेगेटिव है, मतलब प्लस, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें आप इसकी करेक्टरिस्टिक में ये लिख सकते हैं कि इनमें पॉली जैसे वो बोलते हैं ना पॉलीमर्स, तो इनकी टेंडेंसी कैसी है, इस तरीके से एक पॉलीमर बन रहा है ना,
और H2 आ जाएंगे इधर भी इधर भी। तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ना कि इनकी पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी होती है। हाइड्रोजन क्रिस्टल हैव द टेंडेंसी ऑफ have the tendency of polymer ठीक है polymerization have the nature of polymerization। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो बहुत वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो बॉन्ड बनता है वो काफी वीक होता है। क्यों होता है? इन पर देखिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव। अब देखिए जो नेगेटिव है ना वो ज्यादा नेगेटिव है तो जो बॉन्ड इधर खिंचता है, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है तो बॉन्ड इधर खिंचता है, वो अपने आप ही थोड़ा सा टूट जाता है, ब्रेक होने की कंडीशन में होता है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे डॉट डॉट से दिखाया है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड काफी वीक होता है तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑब्वियस है ठीक है। तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड है इसीलिए क्या होगा, कोएसिव एनर्जी इज लेस, कम होती है, मतलब वीक बॉन्ड होता है इसलिए इसकी कोएसिव एनर्जी काफी कम होती है। उसके बाद पॉलीमराइजेशन हो गया, ध्रुवण प्रकृति इसलिए बोल रहा है, पोलराइजेशन इसलिए बोला है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें भी आयनिक बॉन्डिंग वाली सिचुएशन हो रही है ना, एक आयनिक बॉन्ड भी बन रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों क्या बन जाएंगे, पोल डायपोल बन गया, डायपोल का डायरेक्शन ये हो गया। तो इनकी पोलराइजेशन वाली वो भी होती है इनकी टेंडेंसी, पोलराइजेशन भी हो गया, पॉलीमराइजेशन भी हो गया, और कोएसिव एनर्जी इनकी काफ़ी कम होती है ठीक है। अब देखिए एक लास्ट और रह गया, हाइड्रोजन बॉन्ड से पहले वंडरवॉल रह गया था, एक वंडरवॉल में क्या होगा, वंडरवॉल बॉन्डिंग वो भी बहुत वीक होता है ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। वंडरवॉल बॉन्डिंग इन द क्रिस्टल इज अ वीक बॉन्डिंग, एंड जैसे आपके लिए जो गैसेस के बीच में लगता है ना, जैसे H2 है N2 है ठीक है, तो H2 गैस फॉर्म में होगी तब ठीक है, N2 गैस होगी तब। तो गैसेस में आपको पता है कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि गैस में क्या होता है, सभी एटम्स मूविंग फ्रीली मूव करते हैं, तो वहाँ पर फ्रीली मूव करते हैं तो बॉन्ड जो है वो काफ़ी वीक होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं वांडरवाल बॉन्ड किसके बीच में लगेगा, गैसेस में लगता है ठीक है, और वीक होता है तो कोएसिव एनर्जी इनकी सबसे कम होती है ठीक है, कोएसिव एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इनके कम ही होंगे ठीक है, कम होते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पर सभी क्या होंगे, गैस फॉर्म में ही होंगे ठीक है। और कंडक्टिविटी की बात करें तो ये कंडक्टिविटी भी इनकी नहीं होती ठीक है, और गैस है तो इनके लिए, यदि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखें तो जब रे इंसिडेंट होगी किसी गैस पर तो वो हमें कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगी ठीक है। और कंप्रेसिबल तो बहुत होते हैं क्योंकि गैस को आप कितनी भी गैस को थोड़े से उसमें वॉल्यूम में आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो वंडरवॉल बॉन्डिंग ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लेना ये गैसेस में होती है, और कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो लो होती है, और क्या बताया था, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में
वो बिहेव करेंगे एज अ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एज अ ट्रांसपेरेंट वो बिहेव करेंगे. और क्या रह गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इस तरीके से आपके सभी क्रिस्टल और बॉन्डिंग इन क्रिस्टल्स ये कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयनिक बॉन्डिंग में ही वापस से आ जाएंगे कि आयनिक बॉन्डिंग में आयन्स के बीच में जो कूलाम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है. ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग में पोटेंशियल एनर्जी, कूलॉम पोटेंशियल एनर्जी इन आयनिक क्रिस्टल. ठीक है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी आप ये बताइए. पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, यू इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस एफ डॉट डी आर. ठीक है, उसके लिए आपको पहले फोर्स पता होना चाहिए. फोर्स क्या है यहाँ पर, कूलाम अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और कूलाम रिपल्सन फोर्स होता है, और वो कितना होता है, प्लस माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये होता है. यदि वो अट्रैक्शन है तो नेगेटिव और रिपल्सन है तो पॉजिटिव. इस चीज़ को याद रखना, अट्रैक्शन फोर्स को हम इसे नेगेटिव से और रिपल्सन फोर्स को पॉजिटिव से लिखते हैं. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें वो निकालना पड़ेगा फोर्स. उसके लिए मैं कोई आयनिक क्रिस्टल में जैसे वो ले लेती हूँ NaCl क्रिस्टल. ठीक है, तो NaCl क्रिस्टल में इस तरीके से बना लो, ये सही बनना चाहिए वरना फिर डिस्टेंस इसमें दिक्कत आएगी. ठीक है, उसके बाद देख लो ये कैसे बनना है. ठीक है, उसके बाद रुक जाओ, ये बन गया, उसके बाद एक परपेंडिकुलर और बनेगा, रुक जाओ. अरे अरे ठीक है, वो ठीक है. और एक ये बन, इसको भी सही करती हूँ, रुकोगे इस तरीके से. अब सेंटर पे हम ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पर Na प्लस है. ठीक है, यहाँ पर Na प्लस होगा तो बॉन्ड जो बनेगा, यहाँ पर Na होगा तो एक सेकेंड, इसी में तो कंफ्यूजन हो जाता है. फिर ये वाला Cl माइनस, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ. कोने कोनों पर मैं बना देती हूँ Cl, यहाँ पर Cl है. ठीक है, और यहाँ पर भी Na है ना, और ये चार हो गए, नीचे चार. अब इनके बीच में यहाँ पर भी लाइन बनेगी क्या, एक ये भी बनेगी. हाँ, और यहाँ पर क्रॉस होगी, उसके बाद इस पर क्रॉस होगी, उसके बाद यहाँ से ये. ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने, जब ये हो गया आपका Cl, ये भी Cl माइनस, तो यहाँ पर आएगा Na को मैं डॉट से और इसको Cl से. ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आप, यहाँ पर Cl हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, Na. ठीक है, और ये Cl, फिर यहाँ पर क्या होगा, Cl, क्योंकि यहाँ Na है, फिर से यहाँ पर Na, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर Na, फिर Cl,
यहाँ पर फिर से एन ए, उसके बाद यहाँ पर सी एल, और यहाँ एन ए, और सी एल, और ये सी एल, ये भी सी एल, और यहाँ पर, यहाँ पर एन ए, एन ए, ठीक है। और कुछ रह गया क्या? अभी यहाँ रह गया है, यहाँ पर और ये गलत आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा ये, तुम पीछे जाओ, यहाँ पर, यहाँ पर रहने। अब कुछ नहीं रहा, ये रह गया, कितना है सी एल, अरे नहीं आएगा ना, कैसे ये कॉर्नर्स पे ही हो गए, यहाँ ही तो लिखा था पहले, ठीक है यहाँ सी एल और यहाँ सी एल। अब बात तो हो गई, कल दोबारा से ही बनाना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। चलो अब कल मैं पहले ही बना लूंगी इसको, ठीक है, कल बताएंगे आपको।